डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.3 के सम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सम स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट 35 माइनस 20, 20 को ब्रैकेट में लिया गया है तो पहले इसको ब्रैकेट से बाहर लेके आना। 35 माइनस 20, इसका क्या रूल है? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें 20 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, और बाहर साइन क्या है? नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब 35 में से 20 को माइनस करना है तो इजीली आप कर सकते हो, 15 आएगा। बी पार्ट, 72 माइनस 90, 72 माइनस 90, जब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो अंदर पॉजिटिव इंटीजर था, ये नेगेटिव हो गया। अभी 72 पॉजिटिव इंटीजर है और 90 नेगेटिव इंटीजर है, तो कौन सा ज्यादा है? नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव बचेंगे। 10 में से 2 माइनस किया 8, यहां बच गए 8, 8 में से 7 गया 1, माइनस 18 बचा हमारे पास। सी पार्ट, माइनस 15 प्लस 18, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था और अंदर नेगेटिव इंटीजर था तो वो पॉजिटिव इंटीजर बन गया जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब हमारे पास माइनस का 15 है और प्लस का 18 है, तो ज्यादा कौन से हैं? पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव बचेंगे, कितने बचेंगे? 3। 18 में से जब 15 को माइनस करोगे तो 3 बचेगा और ये पॉजिटिव इंटीजर बचेगा। डी पार्ट, माइनस 20 प्लस 13, यहां भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है और अंदर नेगेटिव इंटीजर था तो नेगेटिव का पॉजिटिव इंटीजर बन गया। अभी नेगेटिव 20 है और पॉजिटिव 13 है तो ज्यादा कौन से हैं? नेगेटिव, तो नेगेटिव बचेंगे, कितने बचेंगे? 7। नेक्स्ट, 23 प्लस 12, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन और अंदर नेगेटिव इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर बन गया। अब 23 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया 35। एफ पार्ट, माइनस 32 प्लस 40, यहां भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है और अंदर नेगेटिव इंटीजर था तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब ये नेगेटिव 32 है और पॉजिटिव 40 है तो ज्यादा कौन से हैं? पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव बचेंगे, कितने? 8। इसके आगे प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद ये साइन, ये या ये साइन, इसमें हमने फिल करना है। अगर इधर का ग्रेटर आ जाए वैल्यू तो ये साइन आएगा, इधर की ग्रेटर वैल्यू आ जाए तो ये साइन आएगा, और दोनों साइड इक्वल आ जाए तो इक्वल टू का साइन आएगा। अब इनको हमने सॉल्व करना है, इधर का अलग, इधर का अलग। माइनस 3 माइनस 6 ये लिखा जाएगा इसको, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाद बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाला साइन जैसे भी है वैसे ही रहेगा। अगर अंदर नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, कब? जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो। अब हमारे पास माइनस का 3 है और माइनस का 6 है, इनको इकट्ठा किया तो माइनस का 9 आ गया। इधर माइनस 3 प्लस 6 हो गए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब नेगेटिव का साइन हो तो अंदर नेगेटिव इंटीजर हो तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा। तब हमारे पास माइनस का 3 है और प्लस का 6 है, तो हमारे पास क्या बचा? प्लस का 3। पॉजिटिव इंटीजर ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अब इनमें बताओ माइनस 9 और 3 में ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर 3 है, क्योंकि जब नंबर लाइन के साइन सम किए तो आपको पता होगा कि ये तो 0 से भी कम है, तो इसलिए ये ग्रेटर है तो ये साइन आएगा। बी पार्ट, माइनस 21 प्लस 10, ये प्लस क्यों आया?
इसके बाहर नेगेटिव का साइन था तो अंदर एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास नेगेटिव 21 है और पॉजिटिव 10 है, तो हमारे पास क्या बचा, नेगेटिव 11, नेगेटिव ज्यादा है। यहाँ -31 -11, जब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर का इंटीजर एज इट इज आएगा। अब हमारे पास माइनस का 31 और माइनस का 11, तो ये इकट्ठे होंगे और ये हो जाएंगे हमारे पास -42। अब -11 और -42 में ग्रेटर कौन सा है, ये है ग्रेटर, क्योंकि जब नंबर लाइन पे देखोगे तो जो -11 है ये राइट साइड आएगा और ये लेफ्ट साइड आएगा जब नंबर लाइन पे इसको देखोगे तो इसलिए जो राइट साइड होता है वो ग्रेटर होता है। सी पार्ट, इसको लिखेंगे हम 45 प्लस 11, नेगेटिव था तो अंदर नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव हो गया, 45 में जब 11 ऐड करोगे तो क्या आएगा 56, ये 57 माइनस 4, बार पॉजिटिव का साइन था तो अंदर नेगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव ही रहेगा। अब 57 में से 4 माइनस करोगे 53 बचा, इनमें कौन सा ग्रेटर है, 56, ये साइन आ गया। अब इसमें देखो ये है -25, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं तो एज इट इज रहेगा, ये हो गया +42। अब हमारे पास पॉजिटिव 42 है और नेगेटिव 25 है तो क्या बच गया, प्लस के 17 बच गए, इसमें से ये माइनस होगा। अब यहाँ -42 एज इट इज रहेगा, ये हो गया हमारे पास +25। अब यहाँ नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है तो हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव 17 बचेगा, इनमें ग्रेटर कौन सा है, ये है। तो ये अपना सेकंड सम हो गया, थर्ड सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।